अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में मैं शेयर करूँगी आपके साथ असाइनमेंट नंबर 1, कोर्स कोड है जी 8603, करिकुलम डेवलपमेंट। करिकुलम बेसिकली होता है निसाब, जो हमें सिलेबस पढ़ाया जाता है, ठीक है जी। तो वो किस तरह डेवलप किया जाता है उसके बारे में हम पढ़ेंगे इस कोर्स कोड में। तो असाइनमेंट स्टार्ट करने से पहले, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया या आप चैनल पर नए हैं तो इसे पहले सब्सक्राइब कर दें। इससे ये होगा कि मेरी हर न्यू आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगी। इंशाल्लाह अब मैं सेकंड असाइनमेंट्स अपलोड कर दूंगी तमाम कोर्स कोड की। अगर आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो मेरी तमाम वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहेंगी। सो असाइनमेंट स्टार्ट करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, इवेल्युएट द प्रिंसिपल्स ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट, टेक इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी एज केस स्टडी एंड इवेल्युएट द करिकुलम डेवलपमेंट प्रोसेस ऑफ टीचर एजुकेशन प्रोग्राम। तो इसमें जी आपने प्रिंसिपल ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट को इवेल्युएट करना है, फिर इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी को एज अ केस स्टडी लेना है और उसमें जो करिकुलम पढ़ाया जाता है उसके बारे में आपने डिस्कस करना है। तो इसका जी आंसर पहले आपको मिल जाएगा पेज नंबर 11 से लेकर 14 तक, और फिर जो लास्ट है जी करिकुलम डेवलपमेंट प्रोसेस ऑफ टीचर एजुकेशन प्रोग्राम, तो इससे रिलेटेड मैं लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूँगी, आप वहाँ से देख लीजिएगा। सो पहले हम पेज नंबर 11 to 14 देख लेते हैं। यह है जी पेज नंबर 11, इसमें दिए गए हैं बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट, ठीक है जी। ये हैं, देन कुछ पॉइंट्स हैं नेक्स्ट पेज पे, ये पेज नंबर 12 है, ठीक है जी। एंड देन आ जाता है पेज नंबर 13, और पेज नंबर 14 इसका लास्ट पेज है। यहाँ तक आपने एंड कर देना है पावर तक, ठीक है जी। तो बाकी का जो हिस्सा है वो आप लिंक देख लीजिएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स से। क्वेश्चन नंबर 2 है, राइट अ रिसर्च रिपोर्ट विद रेफरेंस ऑन करिकुलम ऑफर्ड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो आपने जी एक रिसर्च रिपोर्ट लिखनी है। रिसर्च रिपोर्ट लिखने का तरीका जो है वो आपकी कोर्स कोड है 8604, उसमें यूनिट नंबर 9 है, उसमें टोटली जो है वो तरीका बताया गया है कि किस तरह आपने रिसर्च रिपोर्ट लिखनी है। वैसे थोड़ा बहुत इससे रिलेटेड करिकुलम जो उस टाइम पे ऑफ़र किया गया था तो उसका 25 से लेकर 27 तक आंसर, और जो मैं आपको लिंक दे दूँगी दो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसमें रिपोर्ट बनी हुई है, तो आप वहाँ से देख के लिख लीजिएगा। दो रिपोर्ट्स हैं तो जो आपको बेहतर लगे आप वो लिख सकते हैं। तो हम सिर्फ 25 से 27 पेज देख लेते हैं यहाँ पे कि उसमें करिकुलम के बारे में क्या लिखा हुआ है, एंड जो रिपोर्ट की बात आ जाती है तो आप लिंक से देख के लिख लीजिएगा। ये है जी पेज नंबर 25, स्टार्ट हो रहा है जी यहाँ से, डेवलपमेंट ऑफ करिकुलम इन इस्लाम, ठीक है जी। तो ये सारा देख लें आपने लिखना है, ठीक है। इसमें खैर रिपोर्ट भी लिखेंगे ये भी लिखेंगे तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो आप इसमें से कुछ पॉइंट्स लिख लीजिएगा और कुछ जो है बेशक स्किप कर लें, इसको शॉर्ट करके लिख लीजिएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इसमें गिवन है, ठीक है जी। ये है पेज नंबर 26, 27 पे जस्ट एक टेबल है, ये आप देख लें, ठीक है। तो लिंक जो है वो उसमें रिपोर्ट गिवन है, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ले लीजिएगा। और अगर किसी को नहीं पता कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स किधर है तो आप में से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, इवेल्युएट द करिकुलम ऑफ द सोशल स्टडीज़ ऑफ एलिमेंट्री लेवल एंड आइडेंटिफाई द डिफरेंट फाउंडेशंस ऑफ द करिकुलम फ्रॉम इट, ऑल्सो हाईलाइट द फोकस्ड फाउंडेशन दैट इज रिफ्लेक्टेड एट दिस लेवल ऑफ द करिकुलम विद एग्जाम्पल्स। तो इसका आंसर आपको मिल जाएगा पेज नंबर 61 से लेकर 67 तक। तो मैं दिखा देती हूँ बुक से भी आपको एक दफ़ा कि कहाँ से स्टार्ट हो रहा है कहाँ पे एंड हो रहा है। ये है जी पेज नंबर 61, यहाँ से आपका क्वेश्चन स्टार्ट होगा ये वाला, एंड देन इसी तरह पेज नंबर 67 तक है। यह जी पेज नंबर 62, यह जी पेज नंबर 63, देन है जी पेज नंबर 64,
दिस इज़ पेज नंबर 65। अगर आप में से किसी के पास नहीं है बुक तो स्क्रीनशॉट ले लें और उधर से देख के लिख सकते हैं। ठीक है जी, 65। देन है जी 66 पेज नंबर। पेज नंबर 66 एंड देन पेज नंबर 67। ये जिसकी मेन हेडिंग है, यहाँ पे क्वेश्चन एंड हो रहा है आपका। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 4। आइडेंटिफाई द रोल ऑफ अकाउंटेबिलिटी इन करिकुलम डेवलपमेंट, राइट अ डिटेल्ड नोट ऑन इवेल्युएशन सिस्टम ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट इन पाकिस्तान। तो इसका आंसर आपको मिल जाएगा जी पेज नंबर 100 से लेके 102 तक, एंड देन पेज नंबर 238 से 241 पे करिकुलम डेवलपमेंट के बारे में लिखा गया है। तो ये मैं दिखा देती हूँ आपको, पेज नंबर 100 देख लेते हैं पहले। पेज नंबर 100 पे पहले अकाउंटेबिलिटी के बारे में डिफाइन किया गया, ठीक है जी। तो यहाँ से आपने उसके बारे में लिख लेना है। फिर नेक्स्ट है जी करिकुलम इवेल्युएशन। वन ज़ीरो वन पेज है जी ये, एंड देन है जी 102। ये यहाँ पे आपने एंड कर देना है, ठीक हो गया। देन है पेज नंबर 238। तो पेज नंबर 238 देख लेते हैं। ये है जी करिकुलम डेवलपमेंट इन पाकिस्तान। तो ये वाला टॉपिक आपने यहाँ से लिख लेना है, 238 से लेके जी ये आ रहा है 241 तक। ये है पेज नंबर 239। देन है जी पेज नंबर 240, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, एंड लास्ट है जी पेज नंबर 241। यहाँ तक आप कंप्लीट कर लें टॉपिक। सो क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे कंप्लीट होता है। नेक्स्ट है जी हमारा लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। डिस्क्राइब द मेन अप्रोचेस ऑफ बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव्स, डिवेलप 10 स्टेटमेंट्स ऑफ बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द रिसर्च कोर्स ऑफ मास्टर लेवल प्रोग्राम। तो इसका आंसर आपको मिल जाएगा 132 से 135 पे। तो ये हम देख लेते हैं पेज नंबर 132 to 135। ये है जी पेज नंबर 132। द डेवलपमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स मेन हेडिंग है इसकी। तो इसके अंदर आप देख सकते हैं सब पॉइंट्स आपको गिवन है। ये जी पेज 132, ठीक हो गया। फिर ये हैं, पेज नंबर 133 एंड देन पेज नंबर 134 है जी, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, एंड देन है जी पेज नंबर 135। ठीक है जी, तो यहाँ पे आपने एंड कर देना है। तो जी हमारी असाइनमेंट नंबर 1 कोर्स कोड 8603 यहाँ पे कंप्लीट होती है। होपफुली आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर आपको मेरी वीडियो ज़रा भी पसंद आई है तो इसे लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। टिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।